हेलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री और एक्सरसाइज 2 है बिलियन। ठीक है, हमको आज पढ़ना है बिलियन। बिलियन क्या चीज़ होता है? बिलियन दो या दो से अधिक सूक्ष्म पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में जल को लेते हैं, जल को लेते हैं, क्या लेते हैं? जल को। और इस जल में चीनी को डाल देते हैं। क्या करते हैं जी? चीनी को डाल देते हैं। जैसे ही जल के अंदर चीनी को डालते हैं तो चीनी का जो कण होता है इस जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। जब पूर्ण रूप से घुल जाता है चीनी का कण, तो घुलने के बाद जो उसकी अवस्था होती है तो उस अवस्था को हम कहते हैं बिलियन। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। कब? जब जल के अंदर कोई दूसरे पदार्थ को घुलाते हैं, घुलने के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसी पदार्थ को हम कहते हैं बिलियन। यह बिलियन कई तरह का होता है। द्विअंगी बिलियन होता है, त्रिअंगी बिलियन होता है, चतुर्अंगी बिलियन होता है। द्विअंगी बिलियन जब दो गो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, उस मिलाने से जो बिलियन बनता है उसको बोलते हैं द्विअंगी, यानी बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तीन पदार्थों को मिलाने से जो बिलियन बनता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी बिलियन। ठीक है ना? चार पदार्थों को मिलाने से जिस बिलियन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं चतुर्थांगी बिलियन बोलते हैं। तो यह बिलियन जो होता है पूर्ण रूप से जब चीनी घुल जाता है तो घुलने के बाद इसके हर जगह ऊपर हो या नीचे हो, कहीं से भी इसके बिलियन के स्वाद को अगर हम चेक करेंगे तो इसकी स्वाद हर जगह एक समान हो। इसलिए एक समान होने को ही क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मतलब होता है समान। समान जगहों पर इसका मिश्रण जो हो क्या होगा, समान हो। बिलियन के ऊपर से कुछ भाग को निकाले, अगर ऊपर से मान लेते हैं यहाँ से 2 ग्राम को निकालिए और नीचे से 2 ग्राम को निकालिए और दोनों के स्वाद चेक कर रहे हैं और दोनों को स्वाद अगर सेम आता है तो उसको हम कहते हैं समांगी, होमोजेनियस। क्या बोलते हैं जी? होमोजेनियस मिक्सचर इसको बोलते हैं, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना? जब और चीनी के अलावा कोई दूसरा पदार्थ मिला लिए हैं, चीनी के अलावा अगर इसमें कोई दूसरा और पदार्थ मिला दिए हैं, नमक, तो यहाँ पर तीन पदार्थ हो गया, चीनी, नमक और क्या है, जल। इन तीनों को मिलने से जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसको बोलते हैं हम क्या जी? त्रिअंगी बिलियन। और एक कोई दूसरा पदार्थ मिला दिए तीन के अलावा, अगर चौथा मिला दिए, उससे मिलाने से जिस बिलियन की तैयारी होगी, निर्माण होगा, उस बिलियन को हम बोलते हैं चतुर्थांगी बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि द्विअंगी बिलियन की परिभाषा क्या होता है। लिखेंगे द्विअंगी बिलियन की परिभाषा, इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन लिखेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन की परिभाषा, दो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी बिलियन कहते हैं।
द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन जब दो को पदार्थ को मिलाकर, अभी बताया था कि एक बीकर में अगर हम जल को लिए हैं और जल एक क्या है, जल और दूसरा कोई पदार्थ को मिलाते हैं, दूसरा कोई पदार्थ जैसे मान लेते हैं चीनी लेते हैं, चीनी तो चीनी को डालेंगे तो इसके कण क्या होगा, जब पूर्ण रूप से इसमें घुल जाएगा तो इसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। ओके, दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। क्या होता है ये त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन इसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्राइनरी सॉल्यूशन अभी बताएं कि जब तीन गो पदार्थ को मिलाते हैं, तीन गो पदार्थ को मिलाने से जो हमारा विलयन तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन। लिखेंगे इसकी परिभाषा तीन पदार्थों, पदार्थ को ही घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, घटक बोलते हैं। लिख सकते हैं तीन घटकों या तीन पदार्थों के, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मिश्रण को क्या कहते हैं जी, त्रिअंगी विलयन कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। एक और विलयन होता है जिसको हम बोलते हैं चतुष्पांगी विलयन, अंगी विलयन, विलयन इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। इसकी परिभाषा क्या होगा, ये भी बताए थे कि जब चार वो पदार्थ को मिलाएंगे, चार पदार्थों को मिलने से जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को क्या बोलते हैं, चतुष्पांगी विलयन बोलते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा चार पदार्थों के, चार पदार्थों के मिश्रण, चार पदार्थों के समांगी, समांगी मिश्रण को, मिश्रण को, मिश्रण को चार पदार्थों के समांगी मिश्रण को चतुर्थांगी विलयन करते हैं, विलयन करते हैं। चार पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं जी, चतुर्थांगी विलयन कहते हैं। परिभाषा को नोट करेंगे। अब देखेंगे मोलरता क्या चीज होता है, मोलरता लिखेंगे, मोलरता की परिभाषा किसी विलयन के, किसी विलयन के एक लीटर में, क्या लिए एक लीटर में, किसी विलयन के एक लीटर में विलय के, विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, संख्या को, मोलों की संख्या को
बिलियन बिलियन के मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर कहने का मतलब जिस बिलियन के एक लीटर में, किसी भी बिलियन हो, कोई भी बिलियन हो, किसी बिलियन के एक लीटर में बिना के मोलों की संख्या को, एक लीटर बिलियन में जितने मोलों की संख्या होगा, एक लीटर बिलियन में बिले की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बिलियन के मोलरता कहते हैं। इसे एक से सूचित किया जाता है, इसे इसे एम कैपिटल एम से, एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे सूचित किया जाता है, बिलियन की मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। मोलरता का सूत्र होता है, क्योंकि मोलरता बराबर होगा आपका, मोलरता मोलरता बराबर होता है बिले बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटा बिलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, बिलियन बिलियन का आयतन आयतन। यदि बिलियन का आयतन लीटर में हो, बिलियन की आयतन क्या होगी, लीटर में हो, बिलियन का आयतन किस में हो, लीटर में हो, तो मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर बिलय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। यदि बिलियन का आयतन लीटर में ना हो तो किस में हो, एमएल में हो। जब बिलियन का आयतन एमएल में हो तो इसकी मोलरता के फॉर्मूला सूत्र क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या होगा जी, बिले के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, बिले की मोलों की संख्या बटा विलायक 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 का आयतन, आयतन किसमें हो, एम एल में हो, किसमें हो जी, एम एल हो, मिलीलीटर हो। तब जब एम लीटर में है, इसको एम एल में बदलना होगा, तो हम क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे, या 1000 से कितना से गुणा कर देंगे, 1000 से। जब बिलियन का आयतन लीटर में हो और उसको एम एल में चेंज करना हो, तो नीचे हम 1000 से भाग कर देंगे। जब नीचे 1000 से भाग करेंगे यहाँ पर 1000 से, तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, इसके साथ गुणा मारेगा, तो यही इसी 1000 को क्या कर दिया, डायरेक्ट गुणा में लिख दिया। मोलरता वही बोलेंगे किससे सूचित किया जाता है, एम से। यहाँ एम बराबर क्या होगा, एम बराबर बिलय की मोलों की संख्या, बिलय की मोलों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एन से। बिलियन के आयतन को भी से सूचित करते हैं, तो एन बटे क्या होगा, भी। कब, जब बिलियन का आयतन इन लीटर में होगा, तब लीटर में होगा, तब एन बराबर इतना होगा। अगर यही बिलियन का आयतन एम एल में दिया, तब एन बराबर हो जाएगा हमारा एन बटा, क्योंकि मोलों की संख्या मोल को एन से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और बिलियन का आयतन एम एल में, आयतन का हमेशा भी से सूचित करते हैं। कब, जब अगर ये एम एल में हो, किसमें हो जी, आयतन एम एल में हो, तब इसको 1000 से यहाँ कर देंगे, गुणा कर देंगे, नोट कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन ये है, 20 ग्राम यानी 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। दिया क्या है, सॉल्व करेंगे हम इसको, दिया है 20 ग्राम NaCl, यानी NaCl का
द्रव्यमान कितना है, NaCl का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 20 ग्राम है। कह रहा है कि 20 ग्राम को 150 ml जल में मिलाया गया है। जल का द्रव्यमान कितना है, H2O का द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना है, 150 ml है। क्या है, ml है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मोलारिटी ज्ञात करना है, मोलारिटी ज्ञात करना। अभी हम बताएंगे मोलारिटी का सूत्र जो होता है, मोलारिटी m बराबर होता है n बटा v। यह द्रव्यमान जो है किसमें, आयतन इसका किसमें दिया है, ml में दिया है, किसमें दिया है, ml में दिया है। कि यहाँ पर कितना गुना होगा, 1000 से गुना होगा। तो हमको आयतन तो दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है कितना, 150 ml, लेकिन m नहीं दिया है, मोलों की संख्या नहीं दिया है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। n बराबर होता है मोल बराबर, मोल मोल बराबर होता है क्या जी, भार बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान होता है मोल को एन से स्वीप करते, एन बराबर भार कितना है जिसका, किसका दर निकालना है, 20 ग्राम NaCl कितना डालते हैं जिसके मोलारिटी क्या है, होगा इसका भार कितना है NaCl का, 20 ग्राम कितना है जी, 20 है बटा इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा NaCl का। उनको पता है इस NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो सोडियम का होता है कितना जी, 23.5 क्रॉस क्लोरीन का कितना होता है, 23 होता है, इसका कितना हो जाएगा, 23 होता है और इसका होता है 35.5, जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 58.5 होगा। आणविक द्रव्यमान इसका कितना हुआ, 58.5 होगा। अब चलिए, अब उसको क्या ज्ञात कर रहे हैं, एक को तो मान निकल गया, बिलियन की मोलारिटी ज्ञात कर रहा है, बिलियन की ज्ञान करना है मोलारिटी। तो बिलियन की मोलारिटी एम बराबर क्या होता है, एन बटा भी गुणे, कब जब यह एम एम में रहेगा तब 1000 से गुणा करेंगे, तो एम बराबर हो गया हमारा, एन का मान कितना है, 20 बटा 58.5। वॉल्यूम इसकी कितना है, आयतन 150 मेरे कितना, एक हो गया। इसको क्या करेंगे, प्लॉट देंगे ऐसे, ये हो जाएगा 20 58.5 गुणे 150 अगर कितना, 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 5 से 5 3 15, 5 × 10 20 हो जाएगा, गुणा करने के कितना होगा, 2 × 4 ऊपर हो जाएगा हमारा 400 बटा नीचे कितना होगी, 3 × 58.5। इसको गुणा कर लेंगे कितना होगा, इसका क्या होगा, कैंसिल होगा। और मोल जो होता है, मोल का ऐसा मात्रक होता है आपका मोल पर लीटर,